आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की ताजा हेडलाइंस के साथ। टॉप थ्री में छह विद्यार्थियों ने बनाई जगह, जिसमें पांच लड़कियां शामिल। 98% अंकों के साथ आजाद नगर की रहने वाली अंशिका बनी संयुक्त रूप से जिला टॉपर। एंटीजन रैपिड किट के लिए आज होगी ट्रेनिंग, लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म। इस किट से मौके पर ही मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पर ओवरटेक के चक्कर में तीन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में चार लोग हुए घायल, एक की हालत बनी गंभीर, पीजीआई रोहतक किया गया रेफर। संभालका में पुल के ऊपर गाड़ी की टक्कर से बुलेट सवार एक युवक की मौके पर ही मौत। इंसार बाजार में महिला से मोबाइल छीनकर भागे आरोपी बाइक सवार, पब्लिक ने पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों को लिया हिरासत में, महिला ने शिकायत देने से किया मना। गर्भपात के लिए 15,000 मांगने के आरोप में डॉक्टर परमजीत पर केस दर्ज। शिकायत पर महिला आयोग ने सिमरन क्लिनिक का किया दौरा। नगर निगम और पब्लिक हेल्थ की अनदेखी, बरसाती सीजन में शहरवासियों पर पड़ी भारी। समय रहते की गई होती नालों व सीवर की सफाई तो नहीं होती सड़कें जलमग्न। नहीं सुलझा आदर्श नगर और वीवर्स कॉलोनी का विवाद, घरों में घुसे बरसाती पानी ने बढ़ाई परेशानी। खतरे में भविष्य, धूल फाक रही है कोचिंग सेंटर्स की जांच रिपोर्ट। आइए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में कोरोना कहर लगातार जारी, प्रेम अस्पताल की स्टाफ नर्स व 8 वर्षीय बच्ची समेत 19 मिले कोरोना संक्रमित। जिले में कोरोना कहर लगातार जारी, स्टाफ नर्स व 8 वर्षीय बच्चे समेत 19 मिले कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचा 728 पर, एक्टिव केस की संख्या हुई 343। 376 केस अब तक रिकवर होकर लौट चुके हैं घर। वहीं जिले में अब तक 11 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। अब तक के इस अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।